ऑलरेडी पिछले वीडियो में आप लोग उसे देखिए जरूर तो आपका एक सीक्वेंस बना रहेगा आ, पूरे सीरीज में तो फादर का नाम क्या था जो तो वो था आपका जॉन चौसर 1351 ही ज्वाइन आर्मी सो जो चौसर थे उन्होंने 1359 में सॉरी 1359 में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी एंड ही वेंट टू फ्रांस सो फ्रांस में गए थे और वहां उन्हें कैप्चर कर लिया गया था वहां वो पकड़े गए थे इन 1360 इट वाज ट्रीटी ऑफ बिटिग्नी और ट्रीटी ऑफ बिटिग्नी की वजह से उनको भी छोड़ा गया था सो so, जो ट्रीटी ऑफ बिटिग्नी थी वो कब हुआ था 1360 में टेन ईयर्स ही स्पेंट इन एडवर्ड कोर्ट जो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में एक शॉर्टकट बताया था ई आर एच तो होपफुली आप लोगों को ई आर एच के बारे में पता होगा अगर आप लोगों को पता है ई आर एच क्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए अभी और इसके नीचे मैंने कुछ लिखने के लिए बताया था तो आप लोग लिख सकते हैं इज इक्वल करके आप लोग लिख सकते हैं क्या आपको याद है इन तीनों के बारे में मैंने नीचे क्या बताया था आप लोगों को सो लेट्स गो अहेड ऑफिशियल जर्नी तो एक ऑफिशियल जर्नी में कहा गए थे फ्लैंडर गए थे फ्रांस गए थे इटली गए थे तो इसमें आप लोगों को एक चीज अब ये दिमाग में आ रहा होगा कि इस बात का कि क्या इम्पोर्टेंस है कि वो इटली गए फ्रांस गए तो क्या इससे क्या होगा लेकिन उनके जो वर्क थे जब वो फ्रांस गए तो क्योंकि राइटर भी थे साथ में तो उन्होंने क्या किया यहाँ जाकर फ्रांस या इटली जाकर उन्होंने कुछ स्टडी की चीजों को स्टडी किया तो उसका इन्फ्लुएंस हमें चौसर पर देखने को मिलता है और जो चौसर पर जो इन्फ्लुएंस है सेम इन्फ्लुएंस हम काउंट करेंगे किस पे इंग्लिश लिटरेचर पे काउंट करेंगे तो जो भी राइटर पर इन्फ्लुएंस है इसका मतलब इंग्लिश लिटरेचर पे भी है तो इसका एक इम्पोर्टेंस बनता है कि जो चौसर है वो कहाँ गए हैं फ्रांस या इटली गए हैं वहां उन्होंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा 1400 1400 में उनकी डेथ हो गई थी ही डाइड एंड उन्हें पोइट्स कॉर्नर में बारी कर दिया गया था डब्ल्यू एच ने उनके बारे में कहा था लाइक ऑफ वर्ल्ड एंड का मतलब यह है कि शेक्सपियर और मिल्टन uh, की तरह वो न, इन दोनों से डिफरेंट थे थोड़े से इसलिए क्योंकि वो वर्ल्ड और अफेयर में भी रहते थे कहने का मतलब ये था कि राजनीति और बाकी चीजों में भी उनका इंटरेस्ट था जैसा कि आप लोग देख सकते हो आर्मी ज्वाइन किया था उन्होंने तीन तीन किंग्स के Uh, काल में उन्होंने क्या किया था uh, लिखा था नाउ लेट्स कम टू डिस्कस थ्री पीरियड्स इन चौसर्स पोइटिक करियर उनका जो पोइटिक करियर था उसे हम एक uh, अगर हम कहें कि कंफर्टेबल होने के लिए हम उसे थ्री पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं so सो पहला जो पीरियड है वो है आपका फ्रेंच पीरियड जैसा कि मैंने कहा कि वो फ्रांस घूमने गए थे फ्रेंच पीरियड में उन्होंने क्या लिखा एबीसी प्रेयर टू दर्जन he translated some of the parts of roman della rose and the book of duchess in 1369 mein, on death of blanche, john of gaunt's wife, to jo blanche, thi, wo thi? John of gaunt's wife, thi. Ek book thi, the book of duchess, in 1369. now let's come to the next part of the notes. so here is the next one, the italian period. italian period, 1382. Uh, उन्होंने लिखा था लिखी थी ये, ये बुक हाउस ऑफ फेम इट वॉज एलेगरी ये एक ड्रीम एलेगरी है पार्लियामेंट ऑफ हाउस ट्रायलस एंड क्रीड बेस्ड ऑन बुकेशियोज फ्लिस्त्रातो तो उन्होंने जो बुकेसियो थे उनका उनकी बुक है फ्लिस्त्रातो ये काफी बार पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन की ये वर्क ट्रायलस एंड क्रसीडा जो है वो किस पे है किस पर डिपेंड करती है तो वो थी आपकी बेस्ड ऑन बुकेसियोज फिलिस्त्रो थर्टीन एटी लीजेंड्स ऑफ गुड वुमेन उन्होंने लिखा इट वॉज अनफिनिश्ड इट इज स्टिल अनफिनिश्ड एंड प्लान टू कंटेन नाइनटीन टेल्स इसमें नाइनटीन टेल्स की बात हो रही थी लेकिन उसमें से आठ ही उन्होंने क्या की फिनिश कर पाए और नाइन्थ वॉज जस्ट द स्टोरी ऑफ ग्रिसीडा उन्होंने लिखी थी दलर्स टेल उन्होंने जो कलर्स की टेल है उसने क्या कहा था स्टोरी ऑफ ग्रिसीडा उन्होंने उसमें डिस्कस की थी

तो आप जैसे देख सकते हैं नोट्स में कि आपको सिर्फ कीवर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे तो जब भी आप नोट्स बनाओ तो इसी तरह से आप सिर्फ कीवर्ड्स उसमें रखिए बहुत ज्यादा डालेंगे तो आपका रिविजन टाइम क्या होगा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा वार ऑफ रोजेस वार ऑफ रोजेज स्टार्ट इन 1455 एंड 1487 में खत्म होता है इंग्लैंड वेल्स एंडलेस ये इसमें इंक्लूड थी जगह रिजल्ट क्या था लैंकेस्टरियन वॉन एंड ट्यूडर डायनेस्टी वॉज इस्टिश और जैसे लैंकेस्टर क्या हुए थे जीते थे तो ट्यूडर डायनेस्टी वहां आ गए थे अब एक शॉर्टकट वही क्योंकि वार ऑफ रोजेज क्या होता है हम कई बार भूल जाते हैं कि कौन जीता था कौन हारा था बहुत सारी चीजें हमें वैसे भी याद करनी होती है इंग्लिश लिटरेचर में तो अब जब लैंकेस्टर आप बोलेंगे तो देखिये यहाँ तो लोगों को याद रहेगा कि ये आपका क्या है रेड लैंकेस्टर ओके क्योंकि उनके दोनों जो डायनेस्टी थी उनकी व्हाइट एंड रेड रोज उनके सिंबल थे इसीलिए इसको वॉर ऑफ रोजेस कहा जाता है तो आप लोग देख सकते हैं लैंकेस्टर में लास्ट में आर है तो इसलिए हम क्या करेंगे इसी को हम रेड मान के चलेंगे ठीक है यॉर्क में हाउस ऑफ यॉर्क में नहीं है आर लास्ट में तो याद हो गया होगा आप लोगों को लैंकेस्टर में आर है तो ये हो गया आपका रेड अब रेड रोजेस जो थे रेड क्या होता है आप देखिए रेड ज्यादा खतरनाक होता है तो ज्यादा खतरनाक जो होगा वो जीत जाएगा हु इज इन वॉर दे यूजली सो दैट्स तो ये हम अपना एक याद रख सकते हैं लैंकेस्टेरियन जीते थे या हाउस ऑफ यॉर्क जीता था ओके okay, होपफुली कि आपको अब आप कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन जीता था कौन हारा था द इंग्लिश पीरियड फ्यू स्मॉलर पॉइंट्स ही रोड फॉर्मा एज फॉर्च्यून ट्रल्स जेंटलीनेस लैक ऑफ स्ट्रीट फास्टनेस क्राउनिंग एंड मोनोमेंटल वर्क अगर हम बोले क्राउनिंग एंड मोनोमेंटल वर्क कौन था उनका तो वो तो ऑबियसली सभी को याद है कि कैंटम्परी टेल्स था और कैंटरी टेल्स में ट्वेंटी फोर टेल्स थी इसमें वर्स और प्रोज दोनों यूज की गई थी इसमें से जो दो प्रोज टेल थी वो कौन कौन सी थी एक तो थी आपकी चौसठ की जो टेल ऑफ मेलेबस थी और जो सेकेंड है पार्सन टेल वो आपकी क्या थी प्रोज में थी चार जो टेल हैं वो क्या है इसमें से इनकम्प्लीट है एंड वेयर द ग्रुप इज गोइंग यहाँ पे जो स्टोरी है कैंटबली टेल्स की वो कहाँ जा रहे हैं फ्रॉम लंडन टू ऑन थॉमस पैकेट वो लंडन से किधर को जा रहे हैं ऑन थॉमस पैकेट की तरफ जा रहे हैं एट कैंटेबली इन द स्प्रिंग ऑफ अप्रैल थर्टीन एटी फाइव और थर्टीन एटी सेवन एक बीच में इन आता है जहां पे वो रुकते हैं उसका नाम क्या था उसका नाम था टबार्ड इन एंड बेली जो था वो होस्ट था उनका सो ही होस्ट एट एंड ओनली गेट टर्न और सिर्फ तेईस लोगों को ही क्या मिला ट्वेंटी थ्री लोगों को ही स्टोरी बोलने का टर्न मिला था ऑल वर्स स्टेल आर कंपोज इन डेकिक और हेरोइक कपलेट और हेरोइक कपलेट में इन्हें कंपोज uh, किया गया था सारी अब यहाँ पे मैंने एक शॉर्टकट तरीका आप लोगों के लिए बनाया है आप इसे बार बार पढ़ेंगे तो आपको जो चौसर है उसके सारे वर्क एक साथ याद हो जाएंगे एबीसी प्रेयर लर्न फ्रॉम द बुक ऑफ डचेस एंड विजिटेड द हाउस ऑफ फेम विद ट्रसीडा दे पार्लियामेंट ऑफ हाउस टोल्ड द सो so, ये आपका शॉर्टकट है आप इसे दो चार बार पढ़ेंगे तो आपको ऑलरेडी सारी चीजें याद हो जाएंगी सो so, मिलते हैं अगले वीडियो में टिल देन गुड बाय टेक केयर